सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 साइंस या ईबीएस कर रहे थे। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा क्या नाम है चैप्टर फर्स्ट का, द चेंजिंग फैमिली, इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला हमने फैमिली डिस्कस किया था क्या होता है, उसके बाद हमने फैमिली ट्री भी डिस्कस किया था, फिर शिफ्टिंग, माइग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्या डिस्कस करना है, डीमोलिशन, है ना, डीमोलिशन। ठीक है, सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं क्या है। देयर आर टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट ब्रेक द हाउसेस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड, दिस इज नोन एज डीमोलिशन। ठीक है, डीमोलिशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो जमीन होती है वहां पर क्या जाके कुछ लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जा मीन्स इन द सेंस वहां पे कुछ कुछ भी इलीगल बना लेते हैं, जैसे कि झोपड़ी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, अपने घर भी बना सकते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, उनने उस जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है क्या कि उनकी ये सब जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है उनकी जमीन पर, उसको तोड़ने का। ऑब्वियसली अगर आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर कोई जाकर के क्या करने लग जाए, घर बनाने लग जाए या फिर बना ले और आपको कुछ टाइम तक पता नहीं चले, है ना, और फिर कुछ टाइम बाद जब आपको पता चले तो आपको पूरा अधिकार है कि उसका वो आप क्या कर दे, उस जगह को खाली करवाए, आपको पूरा अधिकार है कि वो घर आप तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट की जमीन पर अगर कोई घर बना लेता है तो उसको वो गवर्नमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार होता है उसको। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम डिमोलिशन। ठीक है, डिमोलिशन। डिमोलिशन टेक्स प्लेस यूजुअली फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो एक्सेट्रा। देखिए, डिमोलिशन क्यों होता है कि कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो वहां पे उनको एक रेलवे स्टेशन बनाना है। ठीक है, मान लीजिए इन केस ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी खुद की जमीन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि उसको क्या कर दे, वो तोड़ दे। क्यों क्यों वो तोड़ सकती है, क्योंकि वो जो आपकी जमीन है वो एक किस एरिया में आ रही है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल। मान लो वहां से फ्लाईओवर ब्रिज निकलना है जहां पर आपका घर है, तो भी गवर्नमेंट को अधिकार है क्या कि वो आपके आपका जो घर है ना वो तोड़ दे। लेकिन वो क्या देगी आपके लिए, एक उतना ही अमाउंट आपको, जितने का आपका घर होगा उतने रुपए आपको कंपनसेशन के तौर पर क्या करेगी, वो आपको पैसे भी दे देगी। जितने भी रुपए का आपका घर होगा, जितने भी रुपए की वो जमीन होगी आपकी, उतने रुपए आपको वो दे देगी। तो दो केसेस है, सबसे पहले अगर आपने क्या किया, गवर्नमेंट की जमीन पर आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लिया तो गवर्नमेंट तोड़ देगी आपका घर, ठीक है, और आपको पैसे भी नहीं देगी। दूसरी चीज, अगर आपका वो लीगली घर बना हुआ है, आपके पूरे पूरे कागज हैं आपके पास, है ना, लेकिन वो कुछ एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंडर में आ रहा है, वहां पे उसको कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो भी गवर्नमेंट वो घर क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। लेकिन उस केस में आपको क्या देगी, वो कंपनसेशन देगी, कुछ पैसे, जितने भी रुपए का आपका वो घर होगा या फिर जो भी आपने वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया है उतने रुपए वो आपको देगी। ठीक है, तो ये चीज होती है डीमोलिशन। अब आगे देखते हैं, देखिए, लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब बनाना हो और उसमें आपका घर आ रहा हो तो आप तोड़ सकते हो गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड दीज फैमिलीज अदर प्लेसेस टू लिव अलोंग विद कंपनसेशन, है ना, और पैसे तो देगी गवर्नमेंट, साथ ही साथ एक अगर अलग से आपको जगह भी प्रोवाइड करवा देगी, वो कहेगी कि चाहिए आप इस जगह पर, एक अलग से आपको बढ़िया सी जगह दे देगी, वो कहेगी आप यहाँ पे रहने लग जाओ और पैसे भी दे देगी। ठीक है, तो ये होता है डिमोलिशन। ठीक है, अब आ गया मैन मेड कैलमिटीज। क्या आ गया, मैन मेड कैलमिटीज। मैन मेड कैलमिटीज क्या होती है, वॉर ऑन रियड्स अलॉन्ग विथ ऑल्सो फोर्स पीपल टू लिव देयर लीव देयर सिटीज, सच पीपल्स आर नोन एज रेफ्यूजीज। क्या हुआ, मान लीजिए
वॉर हो गई, वॉर मीन्स युद्ध छिड़ गया हमारे देश में, ठीक है। जब भी युद्ध होता है तो बहुत हमारे हमारा कोई भी भरोसा नहीं रहता है कि कब कौन सा, हम बहुत रिक्स में रहते हैं ना कि कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो क्या होते हैं कि जब लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके रहने लग जाएं, ठीक है, तो दूसरे देश के लिए आप क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजी कहलाएंगे। तो दूसरे देश के लिए आप क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजीज कहलाएंगे। तो क्या कंडीशन हो सकती है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े? मैं वैसी कंडीशन नहीं बता रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से जाकर के रहने लग गए, तो वो तो इमिग्रेशन और माइग्रेशन मींस इमिग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वॉर की कंडीशन में अगर आप अपने घर छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के रहने लग जाते हैं तो आप उनके लिए क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजीज कहलाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द गवर्नमेंट बिल्ड्स टेम्परेरी शेल्टर कॉल्ड रेफ्यूजी कैंप टू द डिस्प्लेस्ड पीपल, है ना। इस केस में गवर्नमेंट क्या करवाती है, वहां पे रेफ्यूजीज कैंप हमारे लिए बनवाती है और वहां पर हम जाकर के बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ठीक है, ये कहलाती है हमारी मैन मेड कैलिमिटीज, ठीक है। नेचुरल कैलिमिटीज तो हम जानते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, है ना, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये तो नेचुरल कैलिमिटीज है जिसकी वजह से हमें दूसरी जगह पर जाकर के रहना पड़ता है। और दूसरी होती है मैनमेड कैलिमिटी, जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉर, लड़ाई, लड़ाई की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसफरेबल जॉब्स, क्या है ट्रांसफरेबल जॉब्स। देयर आर मैनी जॉब्स लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक्स एक्सेट्रा, इन विच पीपल आर ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज आर ट्रांसफरेबल जॉब्स, ठीक है। काफी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसकी वजह से, जिन जॉब की वजह से पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, और अपनी प्लेसेस चेंज करती रहनी पड़ती है। तो ऐसी जॉब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब्स। ऑब्वियसली आर्मी, है ना, तो जैसे कि आर्मी मीन्स जॉब होती है, उसमें क्या होते हैं, हमने जनरली देखा है कि उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है, तो ये ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है। आगे देखते हैं इम्पैक्ट क्या होते हैं माइग्रेशन के, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस, ठीक है। तो इम्पैक्ट्स क्या क्या है हमारे माइग्रेशन के, देखो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ये कि द मूवमेंट ऑफ पीपल, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम द फैमिली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर वैल्यूज। अगर मान लीजिए हमारी फैमिली मेंबर्स का कोई एक इंसान यहाँ से दूसरी जगह पर रहने चला गया, तो क्या होगा कि हमारी फैमिलीज पर भी काफी सारे इम्पैक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, देखो, मींस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली माइट इम्प्रूव विद बेटर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम जब अपन माइग्रेशन करते हैं तो काफी अच्छी चीज भी होती है और काफी बुरी चीज भी होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, नेगेटिव। अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की है कि मान लीजिए अगर आप माइग्रेशन कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई एक छोटी प्लेस पर रहते हैं, मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, ठीक है, और आप अब जाकर के शिफ्ट हो गए शहर में, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, है ना। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का, ठीक है। आगे देखते हैं पीपल लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ न्यू प्लेसेस, कल्चर इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रहने लग जाते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है माइग्रेशन का। इसके बाद माइग्रेशन अफेक्ट फैमिली लिव चिल्ड्रन अलॉन्ग प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग अ न्यू एनवायरनमेंट। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर रहने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट होने में काफी टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकती हैं, तो ये अफेक्ट मींस एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का। इसके बाद द एल्डरली मेंबर ऑफ द फैमिलीज आर अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। कई बार क्या होता है कि जो हमारे बूढ़े दादा दादी रहते हैं उनको हम क्या करके यंगर जनरेशन छोड़ करके चली जाती है ना। माइग्रेशन मींस बूढ़े दादा दादी को या फिर माँ बाप को बच्चे छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो जो रहते हैं ये भी उनपे, जो हमारे दादा दादी या फिर जो भी एल्डरली लोग हैं
उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें बुरा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ हमारा ये सेकंड वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, देखो द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ओके, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, अब इसमें पढ़ते हैं हम क्या है। Nowadays, large joint families have broken up and their member often live far away from one another. Still, they try to meet with the other families member on special occasion such as wedding, festival, family function, etc. क्या हो गया है? आजकल का जो जमाना है, जो big families हैं, वो टूट चुकी हैं small families में। लेकिन जो स्मॉल फैमिलीज रहती हैं, वो भी मिलने की कोशिश करती हैं। कब? कोई ओकेजन, जैसे शादी हो गया, जैसे कोई एक फेस्टिवल हो गया, दिवाली, तो क्या होती है, हमारे सारे चाचा चाची सारे मिल करके एक जगह पर फेस्टिवल मनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अवर पेरेंट्स हैव टू लिव अवे फ्रॉम देयर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, है ना। हमारे पेरेंट्स, जो हमारे खुद के पेरेंट्स होते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, अपने भाई बहन के से अलग रहना पड़ता है और अपने खुद के माँ बाप से अलग रहना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, दे मिस देयर फैमिली सपोर्ट टू कंपनसेशन से, है ना। और उनको मीन्स फैमिली सपोर्ट में भी दिक्कत जाती है जब वो लोग अलग रहते हैं। यंग पीपल हैव टू ग्रो अप विदाउट द लव एंड सपोर्ट ग्रैंड पेरेंट्स। आप अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा को मजबूरी बस जॉब की वजह से किसी दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा, तो आपको कभी भी आपके दादा दादी का प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दादा दादी तो पुरानी जगह पर रह रहे हैं, है ना। तो आप अपने मीन्स और ज्यादा जो कि ग्रैंड पेरेंट्स का जो लव है, वो आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा, है ना, जैसा मिलना चाहिए। अब इसके बाद इन ओल्डन टाइम, जब पुराना टाइम था, क्या होता है, वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउसेस। पुराने जमाने में वुमेन्स को क्या करते थे, मीन्स एक तरीके से उनको घर पे ही रखा जाता है। They remain busy in the household chores like cooking, washing clothes, taking care of children. They stepped out of their houses only for very important tasks. उनको मीन्स घर के काम दिए जाते थे, खाना का पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, और जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी उनको घर से बाहर निकाला जाता था। पुराने टाइम की बात है। Now the time has changed. अब टाइम चेंज हो गया है। The girls are encouraged to pursue higher education. अब गर्ल्स को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। अब क्या करने लगी हैं वो लोग, घर से बाहर निकलने लगी हैं और काम करने के लिए बाहर जाने लगी हैं। टुडे गर्ल्स आर एंटरिंग ऑल फील्ड विच वर कंसिडर्ड टू बी मेंस जॉब ओनली, वुमेन्स आर अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड। अब आज के जमाने में क्या हो गया है, गर्ल्स हर फील्ड में आ चुकी हैं और क्या करने लगी हैं, उन्होंने हर फील्ड में अपनी एक सक्सेस अचीव कर ली है, है ना। और मींस अब क्या हो गया है, वुमेन्स मींस हर ही फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो मिसेज इंदिरा गांधी, है ना, ये भी वुमेन है, और ये क्या थी, हमारी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना। कल्पना चावला जो कि क्या थी, फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये जो वुमेन्स है, अब क्या हो रही है, हमारी काफी इवॉल्व हो चुकी है और हर जगह पर उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज हमारे हुई, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।